आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल व्रत की पूरी। और ये पूरी हम राजगिरी के आटे से बनाने वाले हैं। ये पूरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि हम इसके अंदर उबले हुए आलू और कुछ मसाले डाल के बनाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए देख लेते हैं कि पूरी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं। उबले हुए आलू को हमें हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप राजगिरे का आटा। ये आटा मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो इसके अंदर किसा हुआ आधा छोटा चम्मच अदरक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 9 से 10 कुटी हुई काली मिर्च लिए हैं। काली मिर्च डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आप चाहे तो साबित जीरा भी डाल सकते हैं, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक। इन सारी चीजों को हमें मसलते हुए एक साथ मिला लेना है और इसका हमें आटा गूंथ लेना है। और ध्यान रहे, आटा गूंथते समय इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है। आधा छोटा चम्मच तेल लेके इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से हम मसलते हुए इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना आटा गूंथ के तैयार है। आटे को मैंने 10 मिनट साइड में रखा था, उसके बाद मैंने फिर से इसे मसलते हुए इसके लोइया बना ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें से हमें एक लोई ले लेना है। इसे हम थोड़ा सा चपटा करेंगे। इसे बेलने से पहले हमें सूखे राजगिरे के आटे के अंदर कुछ इस तरह से मिलाना है ताकि हम इसे आसानी से बेल सके। पूरी को हमें हल्के हाथों से बेलना है। जैसे हम कुट्टू की पूरी बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमें राजगिरे की पूरी भी बना लेना है। अगर आपको देखना है कि कुट्टू की पूरी कैसे बनाते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। तो पूरी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा ही बेला है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको बाकी की भी पूरियाँ बेल लेना है। अब हम इसे तलना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही पैन के अंदर तेल को गरम करके रखा है। गरम तेल के अंदर हमें सावधानी से पूरी डालना है ताकि तेल के छींटे आपके हाथों पे ना आए। जब आप पूरी को तेल के अंदर डालते हैं तो तेल अच्छा गरम रहना चाहिए, तभी ये पूरी अच्छे से फूलती है। पूरी को हमें दोनों साइड से सुनहरा कलर आने तक और फूलने तक तल लेना है मीडियम से हाई फ्लेम पे। पूरी के ऊपर अगर आप एक गरम गरम तेल डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया फूलती है। ये देखिए मैं इसे किस तरह से तल रही हूँ। अगर आपकी पूरी बेलते समय अच्छे से नहीं बेले जा रही है या फिर आटा गूंथते समय थोड़ा पतला हो गया है, अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो आप मेरी कुट्टू की पूरी की रेसिपी देखें। उसके अंदर मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स बताई है। तो यहाँ पे मैंने पूरी को दोनों साइड से पलटा पलटा कर सुनहरा कलर आने तक और फूलने तक तल के बना लिया है। तो पूरी तल के यहाँ पे अपनी तैयार है। इसे आपको गर्मा गर्म ही खानी है। अगर आप इसे ठंडा होने के बाद खाते हैं तो पूरी बहुत ही ज्यादा सौगी हो जाती है, खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसे आप गर्मा गर्म परोस के ही खाएं। इसी तरह से आपको पूरिया बेल के तल लेना है। इसे आप दही वाली आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं। इससे पहले मैंने व्रत की थाली बनाई है, तो वो रेसिपी के अंदर आप देख सकते हैं कि दही वाले आलू कैसे बनाते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और भी आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।